चल जाए। आज क्लास 10 का बायोलॉजी का मनुष्य का हृदय का सचित्र वर्णन करने जा रहा हूं। तो देखिए, मनुष्य का जो हृदय होता है वो उसमें चार वेश्म होते हैं। इसका जो वर्णन करेंगे तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। तो फिगर में ये देखिए, हम कुछ बनाए हुए हैं और यहाँ जो नाम लिखना है, तो ये चार वेश्म है, 1 2 3 4। इसको बोलते हैं दायां अलिंद, ये दायां है, ये बायां है, इसको बोलते हैं बायां अलिंद। ये ऊपर वालों को अलिंद कहते हैं, नीचे वालों को निल्ले कहते हैं। ये दायां है, ये बायां है, तो दायां अलिंद हो गया, बायां अलिंद हो गया। नीचे वाले को दो वेश्म है, इसको निल्ले कहते हैं, तो ये निल्ले हो गया, दायां निल्ले, और ये हो गया बायां निल्ले। बायां निल्ले यानी मनुष्य के चार वेश्म होते हैं, हृदय में चार वेश्म होते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निल्ले, बायां निल्ले। अब चलते हैं, ये जो है एक प्रकार की भित्ति है, दीवाल है, जो यहाँ जो है बायां अलिंद और दायां अलिंद को अलग करती। तो बायां अलिंद और दायां अलिंद को अलग करने वाला जो वाल है, भित्ति है, उसका नाम है अंतरा अलिंद भित्ति। और दायां अलिंद और बायां दायां निल्ले और बायां निल्ले को अलग करने वाले जो दीवाल है, उसका नाम है अंतरा निल्ले भित्ति। अंतरा अलिंद भित्ति अंतरा निल्ले भित्ति की अपेक्षा पतला होती है, और अंतरा निल्ले भित्ति अंतरा अलिंद भित्ति की अपेक्षा मोटा होती है। इसके बाद है दायां अलिंद में दो सिरा होती है, महासिरा। दायां अलिंद है, ये इस भाग में दो महासिरा होती है, एक अग्र महासिरा, एक पश्चिम महासिरा। बायां अलिंद में दो फुफ्फुस सिराएं होती हैं और एक महाधमनी से फुफ्फुस धमनी निकलती है। तो महासिरा से हमारे फेफड़े में अशुद्ध रक्त की परवाह होती है, अशुद्ध रक्त की परवाह होती है, जो महाधमनी में से होकर बाहर निकलती है। और ये बायां अलिंद और दायां निल्ले, बायां अलिंद और दायां निल्ले के बीच एक छिद्र होता है, जिस छिद्र को द्विदलीय कपाट कहते हैं। फिर बायां अलिंद और बायां निल्ले के बीच एक छिद्र होता है, जिसको द्विदलीय कपाट कहते हैं, जहां से ये रक्त हमारे इसमें प्रवेश करता है बायां निल्ले में। इस छिद्र होता है यहां, इसको नाम है द्विदलीय कपाट। अब चलते हैं अग्र महाशिरा, महाशिरा, महाशिरा से अशुद्ध रक्त प्रवेश करती है फेफड़े में, फिर शुद्ध होकर यह जो है बाहर निकलती है, शरीर के अन्य भागों में जाती है। यहां से फुफ्फुस शिरा से शुद्ध रक्त हमारे शरीर में प्रवेश करती है, शिरा में, सिरा से अशुद्ध रक्त की प्रवाह होती है, अशुद्ध रक्त की प्रवाह होती है। और धमनी से शुद्ध रक्त की प्रवाह होती है।
इस प्रकार ये हृदय का फिगर है। अब हम इसको विस्तार से वर्णन करेंगे। हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल संरचना है जो वक्ष गुहा, ये हमारी वक्ष गुहा है, ये पसलियों वक्ष गुहा के मध्य में पसलियों के नीचे तथा दोनों और फेफड़ों के बीच में स्थित होते हैं। यह एक केंद्रीय पंप है जो रक्त पर दबाव डालकर पूरे शरीर में रक्त को परिसंचरण का कार्य करती है। इसका आकार हृदय का आकार तिकोना होता है जिसका चौरा वाला भाग आगे की ओर और संकरा भाग पीछे की ओर होती हैं और यह बाईं ओर हल्का झुका होता है। तो देखते हैं मानव मनुष्य में यह मांसल संरचना है आपके सामने। इसमें चार वेश्म होते हैं, ये चार वेश्म हैं दायालिंद बायालिंद दायानिल्ले बायानिल्ले बायानिल्ले दायालिंद और बायालिंद। ये दोनों को अलग करने वाले जो वाल है दीवाल है उसका नाम अंतरालिंद भित्ति है या उसको कहा जाता है। फिर दायां नीले और बायां नीले को जो अलग करने वाला दीवाल है भित्ति है उसको अंतरा नीले भित्ति कहते हैं। यहाँ से ऊपर जो होता है अलिंद में यह भित्ति पतला होता है और यहाँ से जो नीचे होता है नीले में वह इसके अपेक्षा मोटा होता है। दायां अलिंद और बायां अलिंद में एक प्रकार का छिद्र होता है जिसे दुदलिय कपात कहते हैं। दायां अलिंद और बायां नीले में एक छिद्र होता है जिसे दुदलिय कपात कहते हैं और दायां अलिंद में दो महाशिरा होती हैं, एक अग्र महाशिरा एक पश्च महाशिरा। इससे होकर हमारे शरीर से रक्त खून अशुद्ध रक्त जो है हमारे फेफड़े में आती है। इसके बाद फुफ्फुस सिराएं से शुद्ध रक्त हमारे फेफड़े में आती हैं और फिर जो है धमनी महाधमनी फुसफुस से होकर बाहर निकल जाती है। तो आज का जो विषय था इसका वर्णन मैं यहाँ यथासंभव वर्णन कर चुका हूँ।